चाय में मुरमुरे कौन डालता है नानी? हरी अलग से खाओ फिर चाय पियो, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। और मम्मी वे खा रही है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये रही हमारी नानी। सब गंदा है। अरे तो क्या हो गया नानी? खाने में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमेशा स्पेशल हो। चावल दाल भात भी होता है ना, वो भी एक कंप्लीट नाश्ता है दोस्तों, ऐसा कुछ मत समझिएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, चावल दाल और ये बन रहा है चोखा, इज दी कंप्लीट कंप्लीट नाश्ता। भुंजिया बनाई, कुंदरी का भुंजिया बनाई है। ये देखिए हरी हरी सब्जियां, मतलब हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया था, अभी सारा प्रिपरेशन चल रहा है लंच का। और हमने डिसाइड किया आज लंच साथ में करेंगे। नाना जी का तो ऐसा है कि नाना जी ब्रेकफास्ट ही लेट करते हैं, मतलब 11-12 बजे के अराउंड, तो वो लंच वो शाम के टाइम करते हैं अपना हिसाब से। तो हम लोग अपना लंच आज साथ में करेंगे मस्त। और यहाँ पे चावल दाल है, चोखा है और चुंदरू है। चुंदरू है क्या कहते हैं इसे? कुंदरी का, कुंदरी, मैं चुंदरी कह रहा हूँ, पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं अभी। मैं तुम्हारा ऑर्डर हो गया वो ग्रीन साड़ी? हाँ मैम, बोल दिया। तो मम्मी के पता नहीं स्कूल में कोई कोड चलता है कि आपको या तो ग्रीन पहन के आना है या तो ग्रे पहन के आना है। तो मम्मी के पास ग्रीन एक कुर्ता था, तो मम्मी मीशो से बहुत ट्राई कर रही थी कि ऑनलाइन आ जाए आ जाए। बाकी सारे टीचर्स ने कर लिया, हमने मीशो खोल के देखा, हम लोग लगे पड़े थे कि कहीं दिख जाए कहीं दिख जाए। स्कूल वालों की ये क्या सोच ले कि स्कूल यूनिफॉर्म में आऊं? बच्चों के लिए ठीक था, टीचर्स के लिए भी है कि ये पहनना है वो पहनना है। भाई लड़के होते तो क्या जीवन होता मेरा, कितनी फ्रीडम मिल रही होती, कितनी लड़कियां टहला रहे होते, बाप के पैसे की बाइक लेके उस पे टहल रहे होते, क्या फेस जाते लड़कियों को लेके, चिपक चिपक के बैठते उनके बगल में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहां है यार, हम दोनों एक दूसरे से चिपक के सो रहे हैं भाई, एक बेड शेयर करते हैं दो लौंडे। पढ़ा के फ्री हुए तो यहाँ पे देखो एकदम उसकी तैयारी हो रही है स्नैक्स की, जिसमें मैंने टोस्ट कर रहा हूँ ब्रेड को, सिर्फ नॉर्मल हीट पे, कुछ ज्यादा नहीं है, नो बटर नो घी। उस पे मैंने एक लगाया है ग्रीन चिली, एक पे है रेड सॉस और दूसरे साइड लग रहा है खीरा, वो डालेंगे पहले खीरे लग जाए अच्छे से। तो एक प्याज को सर जल्दी से काट लेते हैं ऐसे। तो जब ऐसे रेडी हो जाए पनीर पे हल्का सा ऐसे गार्निश करने के लिए सॉस डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, देन अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड इसको कर दीजिए ऐसे बंद। ठीक है, जैसे ही बंद हो जाए फिर कट इन हाफ, खाइए मस्त। जिम जाने से पहले एक घंटा पहले हम लोग दो सैंडविच खा के जाते थे, लेकिन फिर हमने ब्रेड खाना कम कर दिया था और यूजुअली हम कॉर्न खाना चालू कर दिए थे, लेकिन आज मम्मी के कहने पे हम लोग ले आए क्योंकि सबको खाने का आज मन था। और हम लोग पागल हैं, जब एक महीने तक पूरा ब्राउन चिल्लाता चिल्लाते 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 कि ब्रेड। वैसे मम्मी का कहना ये रहता है कि जो ब्राउन ब्रेड है एक्चुअल में ब्राउन ब्रेड है नहीं, उसमें कलरिंग डाल के उसी को व्हाइट ब्रेड को ब्राउन कर दिया है। अब इसमें पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन तब भी मैं ब्राउन ब्रेड ही लेके आऊंगा। नाना जी आप अपनी जवानी में कोई मजे किए हैं? अपनी जवानी में मजे किए? क्या कुछ खेल वेल क्या खेलते थे आप? क्या खेल खेलते थे? क्या है, कबड्डी खेलते थे और चिक्का खेलते थे। चिक्का क्या होता है? उसी टाइप का चीज होता है, समझाइए ना। सब यार है, तुम भी अजय बात करते। अच्छा तो सब याद है आपको, झूठ बोल रहे हैं। और फुटबॉल भी खेले हैं? फुटबॉल भी खेले हैं। हमारा जिम खत्म हुआ है और वो करी थी आज लेग्स, तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। और शायद से हमने जो पनीर सैंडविच खाया था वो पनीर थोड़ा सा सही नहीं था, इस वजह से शायद से पेट में थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है दोनों के। अब पता नहीं पॉसिबिलिटी उसकी भी है या पता नहीं किसके, हमने क्योंकि उसके बाद से कुछ और खाया तो था नहीं। अभी चल रहे हैं घर क्योंकि वर्कआउट आज 50% अच्छा हुआ, 50% नहीं हुआ क्योंकि जो बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सही जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ना अचानक से लग रहा है पेट में कुछ गड़बड़ सी हो गई।
और फिर कुछ पेट में होने लगता है तो फिर मन नहीं करता। व्हाट्सअप लेडीज, तुम और मैं पपीता लेने चलते हैं, भैया मासी को छोड़ के दवाई ले आएगा। जो हम लोग जा रहे पैदल। अरे नहीं नहीं, आप बैठो ना मासी। वो बैठे नहीं, दो कदम पे है, कुछ लिए ही नहीं है खाली। अरे तो जल्दी पहुंच जाओगे, भैया छोड़ दो मासी को। हाँ बड़ी बहन का बात मानते हैं। और एकदम तुरंत वापस हो जाना। ये चलो पपीता लेना। तो मासी मिल गई थी मम्मी रास्ते में, तो भैया छोड़ आएगा मासी को और मैं और मम्मी जा रहे पपीता लेने। पूरा ले रही हो? हाँ, काट के हम भी खा लेंगे। तुम मत भूलना। नाना जी के लिए तो क्या हम नहीं खा सकते? फ्रूट्स डन हो गए नाना जी के लिए, तब से उन्होंने बोल रखा था कि हमारे लिए फ्रूट्स ले आओ, फ्रूट्स ले आओ। डन, तभी बोल रहा था अभी बना दो पनीर, लेकिन नहीं 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 और थोड़ा खराब करेंगे पेट को, है ना नानी? देखिए ऐसी करती है, पहले सामान मंगा लेती है फिर उसके बाद खराब कर देती है फ्रिज में रखे रखे। तो ये नाना जी का रेडियो है, इसका बैटरी खराब हो गया था तो भैया और मैं बैटरी लेके आए थे, क्योंकि नाना जी का जान ना रेडियो में बसता है। मम्मी का भी, नाना नाना और मम्मी दोनों का रेडियो में बसता है, एकदम सेम सेम टू सेम। तो अभी हम लोग बैटरी चेंज करके नाना जी को दे देते हैं। नाना जी मस्त छत पे हवा खा रहे हैं, उन्होंने तो मेरे को नानी बोला कि वो ऊपर ही सोएंगे, फिर हमने बोला कि छत पे मत सोइए क्योंकि आज मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, चांसेस हैं कि रात को बारिश हो सकता है। तो मैंने बोला कि आज नीचे सो जाइए, अगर कल मौसम सही रहा आपका नेट वेट लगा के बेड वेट लगा के छत पे फिक्स कर देंगे। ऐसे झिकझिक करता है भाई, झिकझिक करता है ऐसे बीच बीच में, पता नहीं क्या मतलब, नानी क्यों देखती है ना ऐसे झिकझिक करता है झिकझिक। ये छोड़ो, आज मम्मी ने बनाया डिनर में आलू पराठे, वैसे ही पेट की वाट थोड़ी लग रही थी, हम और लगाएंगे क्योंकि खाना कंट्रोल थोड़ी होता है हमसे। इसकी थोड़ी हालत खराब हो गई थी तो इसके लिए इनो ले आया था मैं, और अर्निका अर्निका ये पता नहीं क्या खा रहा है, होम्योपैथ की दवाइयाँ। हाँ दही, लेकिन टेस्टी लगता है यार इसके साथ। तो विद दैट सेट आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी, वैसे कुछ खास अभी हो नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं होगा, आप बस सपोर्ट करते रहो, है ना नानी? आपका सपोर्ट है ना नानी? सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्या बोला मैं? क्या बोला? कुछ नहीं, लेकिन नानी मेरी भावना समझ गई, सब में हाँ मिलेंगी नानी। हाँ हाँ, ये एक ही लाइन हर बार बोलती है नानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके कुछ कांड नहीं करते लेकिन वो तब भी मार खाते क्योंकि उनकी शक्ल बेकार रहती है, और मेरी मम्मी इतने कांड करती थी लेकिन तब भी नहीं मार खाती थी। क्यों? मार ऐसे खाती थी लेकिन पिटाई ज्यादा कहाँ होती थी, पिटाई नहीं होती थी ज्यादा क्योंकि यू नो मम्मी की मम्मी हाथ ही नहीं लगती थी, सीधे मम्मी के पैर लगते थे।